बड़ी खबर की ओर रुख कर रहे हैं। चांदीपुरा वायरस की दस्तक डूंगरपुर जिले में भी हुई है। अस्पताल में दो संदिग्ध बच्चों को भर्ती किया गया है। उल्टी और बुखार की दिक्कतों के कारण इन्हें भर्ती किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट रूप से पुष्टि हो पाएगी। 5 दिनों में 4 बच्चों की मौत हो गई है, जिनको जिनमें 3 बच्चे सीमलवाड़ा क्षेत्र से हैं। उदयपुर के कल्याणपुर निवासी एक बच्चे की भी संदिग्ध मौत हुई। चांदीपुरा वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और अब डूंगरपुर में भी इस वायरस ने दस्तक दी है, जहां पर 2 बच्चों को संदिग्ध स्थिति में भर्ती करवाया गया है। सैंपल उनके ले लिए गए, जांच के लिए भेज दिए गए और उसके बाद अब स्थिति साफ होगी कि परवेश जैन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परवेश, सैंपल इन दोनों बच्चों के ले लिए गए, कब तक इनकी रिपोर्ट आ जाएगी? जी बताना चाहूंगा कि उन्होंने रिपोर्ट जो भेजी है पुणे, वहां से कि ने जो भी इसके जो सैंपल उनको भेज दिए हैं और वहां से जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे ये बता सकेंगे कि ये चांदीपुरा वायरस है या और कोई कि ये वायरल बुखार है। ठीक है, तो अभी अस्पताल में क्या स्थिति है, क्या आप सभी डॉक्टर्स और जो अधिकारी हैं उनका वहाँ पहुँचना हुआ है? क्योंकि संदिग्ध माना गया है वायरस की चपेट में दोनों बच्चे हो सकते हैं ये कहा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है और सारे जितने डॉक्टर्स हैं सारे लग गए हैं जांच पड़ताल में कि किस तरह से क्या है और सब जितने बच्चे हैं उनकी ट्रीटमेंट भी शुरू कर दी गई है। ठीक है परवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। डूंगरपुर जिला अस्पताल से खबर आपको बता रहे थे, जहां 2 संदिग्ध बच्चों को भर्ती किया गया। उल्टी और बुखार की शिकायत थी इन्हें और माना जा रहा है कि ये चांदीपुरा वायरस की चपेट में हो सकते हैं। सीनियर डॉक्टर्स की मौजूदगी है वहां पर, सैंपल ले लिए गए जो जाँच के लिए भेज दिए गए हैं आगे। अपने अभी पिछले महीने अभी जुलाई महीने के अंदर 2 बच्चे का हमने सस्पेक्ट किया है कि शायद हो सकता है चांदीपुर वायरस हो और उनका हमने सीएसएफ मतलब उनका डेड कैंडिडेट से पानी निकाल के उदयपुर के अंदर जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट तो अभी कल भेजा है, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने पर पता चल जाएगी।